बैक टू माई चैनल, आई होप यू आर डूइंग ग्रेट। तो आज हम लोग ये वाला गाना ही सीखेंगे। इस गाने का टैप्स करेंगे, कॉर्ड्स करेंगे और स्ट्रमिंग करेंगे। बहुत ही अच्छा सा गाना है और इसका टैप्स मैंने बहुत ही आसान रखा है ताकि हर कोई इसको आसानी से प्ले कर सके। तो चलिए बिना वक्त गवाए आज के लेसन पे स्टार्ट करते हैं। तो अगर आपको ये वाला लेसन अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करना, ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और उस बेल आइकन को भी क्लिक कर लेना ताकि मेरे रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहे। और अगर इस सॉन्ग का कुछ भी डिटेल में आपको चाहिए तो फिर आप इस वेबसाइट में जा सकते हो, peaklessmusic.com। यहाँ पे आप जाने के बाद सर्च में लिख सकते हो गाने का नाम तो फिर आपको रिटर्न में टैब्स मिल जाएगा, या फिर आप नीचे जो लिंक दिया हुआ है डिस्क्रिप्शन में उसे भी आप क्लिक कर सकते हो। तो चलिए आज के लेसन अभी स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मैं कैमरा को जूम इन कर लेता हूँ ताकि आप सब कुछ क्लियरली दिख पाओ, ठीक है। तो लेट्स जूम इन। ठीक है, तो मैंने कैमरा को जूम इन कर लिया है। आई होप कि आपको सब कुछ अभी क्लियरली दिख रहा है। तो सबसे पहले हम इंट्रो सीखेंगे, उसके बाद टैब्स, फिर कॉल्स और फिर लास्ट में स्ट्रमिंग सीखेंगे। तो इंट्रो को मैं एक बार प्ले कर दे रहा हूँ, उसके बाद आप ऑन स्क्रीन टैब्स को देख लेना और मेरे साथ धीरे धीरे बजाना। तो इंट्रो कुछ इस तरीके से जाएगा, स्टार्टिंग फ्रॉम द 9th फ्रेट ऑन द बी स्ट्रिंग। ओके, ठीक है। तो ये क्या हो रहा है धीरे धीरे हम देख लेते हैं। 9 9 12 11 9 11, फिर 9 9 12 11 10 9, ठीक है। अगला वाला पार्ट, और फिर लास्ट पार्ट। तो ये क्या हो रहा है, 9 9 12 11 10 9, ठीक है। तो आप ऑन स्क्रीन टैप्स को देख लेना, धीरे धीरे बजाना, आपको ये वाला इंट्रो आ जाएगा। तो चलिए अभी मेन लाइंस ऑफ द गाने की ओर बढ़ते हैं। तो मैं एक एक पार्ट फिर से प्ले कर रहा हूँ। तो पहला वाला लाइन को इस तरीके से जाएगा, देख लेते हैं। तो ये क्या हो रहा है देख लेते हैं। ठीक है, तो फिर आप टैप्स को देख लेना। तो चलिए अभी अगला वाला पार्ट की ओर बढ़ते हैं। तो अगला वाला पार्ट को इस तरीके से आएगा, हम स्लाइड लेंगे 11 से 12। ठीक है, तो आप ऑन स्क्रीन टैप्स का फॉलो कर लेना। इसके बाद वाला पार्ट कुछ इस तरीके से आएगा, स्टार्टिंग फ्रॉम द 11th फ्रेट ऑन द ई स्ट्रिंग। तो क्या हो रहा है, और फिर, ठीक है, और फिर अगला वाला लाइन, स्टार्टिंग फ्रॉम द 11th फ्रेट अगेन ऑन ई स्ट्रिंग। तो यहाँ पे जब हम लास्ट में 9 9 ऑन ई बी प्ले कर रहे हैं,
तब हम प्ले करके ही छोड़ दे रहे, तो फिर ए वाला इफेक्ट आ रहा है, देखो अगर हम प्ले करेंगे तो फिर ए वाला इफेक्ट आएगा, रिंग आउट होगा पूरा, लेकिन हमें रिंग आउट नहीं चाहिए, हमें ये वाला म्यूटेड इफेक्ट चाहिए। तो फिर हम प्रेस करेंगे और प्रेशर को रिलीज कर देंगे अपने फिंगर्स से, ठीक है। तो फिर और एक बार ये वाला पार्ट, और फिर ठीक है, तो फिर क्या हो रहा है, 12 12 11 9 9। तो चलिए अभी अगले वाले पार्ट की ओर बढ़ते हैं। तो अगले वाला पार्ट कुछ इस तरह से आएगा, हम स्लाइड लेंगे फ्रॉम 11 to 12, ठीक है। तो इसके बाद वाला पार्ट इस तरीके से आएगा, स्टार्टिंग फ्रॉम द 9th फ्रेट ऑन द बी स्ट्रिंग, ठीक है। तो फिर कैसे जाएगा देख लेते हैं, तो ये क्या हो रहा है, ठीक है। तो आप टैप्स देख लो, इसके बाद वाला लाइन, ठीक है। तो चलिए अभी अगले वाला पार्ट की ओर बढ़ते हैं। तो अगला वाला पार्ट स्टार्टिंग फ्रॉम द 11th फ्रेट ऑन द ई स्ट्रिंग, इट विल गो लाइक दिस। तो मैं अब प्ले करके दिखा रहा हूँ, आप ऑन स्क्रीन टैप्स को फॉलो कर लेना, ठीक है। और फिर जो हमने पहले भी सीखा है देख लेते हैं, ठीक है। और इसके बाद वाला पार्ट, ठीक है। ओके भाई, तो चलिए अभी कॉर्ड सेक्शन की ओर बढ़ते हैं। तो ओरिजिनली ये वाला गाना है आपका जी शार्प माइनर स्केल में, ठीक है। तो इसको इजी तरीके से प्ले करने के लिए हम क्या करेंगे, एक केपो लगा देंगे अपने 4th फ्रेट पे। सो दिस इज द 1st 2nd 3rd 4th फ्रेट, यहाँ पे हम एक केपो लगा देंगे। केपो लगाने के बाद जो कॉर्ड बन जाएगा, बहुत ही सिंपल कॉर्ड बन जाएगा, पहला कॉर्ड होगा आपका ई माइनर कॉर्ड, आप ऑन स्क्रीन डायग्राम देख लो। दूसरा कॉर्ड होगा वो होगा आपका ए मेजर कॉर्ड, आप ए मेजर ऐसे प्ले कर सकते हैं, या फिर आप ए मेजर जैसे मैं प्ले करता हूँ वैसे भी आप प्ले कर सकते हैं लाइक दिस, ठीक है। फिर नेक्स्ट कॉर्ड आएगा आपका बी माइनर कॉर्ड, आप बी माइनर ऐसे प्ले कर सकते हैं या फिर ओपन पोजीशन में भी ऐसे प्ले कर सकते हैं, लेकिन अगर आप ओपन प्ले करोगे तो फिर 4th स्ट्रिंग से स्ट्रम करना, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना पड़ेगा। तो चलिए अभी स्ट्रमिंग पैटर्न की ओर बढ़ते हैं। तो स्ट्रमिंग पैटर्न थोड़ा सा आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा, मैं एक बार प्ले करके बता रहा हूँ, उसके बाद आपको मैं समझा दे रहा हूँ धीरे धीरे। तो फिर इट विल गो लाइक दिस, क्या हो रहा है वाला देख लेते हैं, डाउन अप चेक डाउन अप चेक डाउन डाउन अप चेक डाउन अप चेक डाउन डाउन अप चेक डाउन अप चेक डाउन डाउन अप चेक डाउन अप चेक डाउन। तो अगर आपको चक नहीं आता तो फिर मैं और एक स्ट्रमिंग बटन आपको बता दे रहा हूँ जो आप इस सॉन्ग में अप्लाई कर सकते हैं, इट विल गो लाइक दिस, डाउन अप डाउन अप डाउन डाउन अप डाउन अप up down up up down down up down up up down up up down down up, ठीक है। आप ये वाला स्ट्रमिंग पैटर्न भी यूज कर सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, दैट वाज द फाइनल लेसन। अगर आपको ये वाला लेसन अच्छा लगा तो आप इस वीडियो को लाइक करना, ठीक है, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और उस बेल आइकन को भी क्लिक कर लेना ताकि मेरे रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहे। और अगर इस सॉन्ग में आपको कोई भी डिफिकल्टी हुई है तो फिर आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके मुझको बताना। अगर आप लोगों ने मुझे इंस्टाग्राम या फेसबुक में फॉलो नहीं किया है तो फिर आप जाना, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहाँ पे जाके आप मुझे फॉलो कर सकते हो, कोई भी गाने का रिक्वेस्ट भी वहाँ पे आप कर सकते हो। और अगर आपको सब कुछ इस लेसन का सब कुछ रिटर्न में चाहिए तो फिर आप इस वेबसाइट पे जाना, यहाँ पे जाने के बाद आपको मिल जाएगा, या फिर लिंक जो नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है उसके भी क्लिक करने के बाद भी आपको इस सब का रिटर्न में सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं आप लोगों से मेरे अगले वीडियो पे। थैंक यू गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग।